सलाम अलैकुम यूवर्स, उम्मीद करना कि तुम सारे ठीक ठाक हो गए। टाइटल तुम देख ही लिया होएगा, टाइम आपां बिल्कुल ज़ाया नहीं कर। किसान धरने के उत्ते कोई नवीं नवीं चीज़ा सानू बहुत कुछ सीखने मिलन दिया है, खास तौर पर इस वीडियो के उत्ते। मैनू एक व्यूवर्स ने इस वीडियो नू सेंड किया वै, तो जदों मैं खोल के देखी है, मैं सिर्फ दो मिनट भी बड़ा ज़्यादा, सिर्फ एक छोटा जिहा क्लिप देखा, तो मेरे को रहा नहीं गया कि मैं इनू सारी वीडियो देखा। तो फिर मैं अपने आप में बड़ा कंट्रोल किया, मैं क्या इस वीडियो में असी अपने व्यूवर के नाल विखांगे, इहदा आपां रिएक्शन करांगे। बहुत अच्छी बड़ी कमाल वीडियो है, तो सो पहले आप वीडियो देखनी है तो उस तो बाद आप रिएक्ट कर। व्हाट्सअप आंदे आ, फेसबुक आंदे ही है, यूट्यूब आंदे आ। अगर तुम फेसबुक पर जो तो फेसबुक का पेज में फॉलो करो, हजे नवा बनाया वै, जिहदा लिंक थले डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए, गो। जो मक्का मदीना की ओर गए तो उन्होंने पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, तो उन्होंने जवाब दिता कि हिंदू कहाँ तो मारिए, मुसलमान भी ना, पांच तत्त का पुतला ते नानक मेरा ना। बाबा जी का हुलिया देखो तुसी, मैं कहना कि गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह जी स्वयं खड़े हो गए। इत्थे कोई भी जात पात या कोई द्वैत नहीं है, असी बाजी जितन आए हैं और जित के जा। उसी गुरु नानक देव जी दे पुत्र और गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र आज चारों ओर से दिल्ली नू घेर लिया। बाबा जी दी गल्लां दिल नू आके बजन दियां ने, हकीकत अपने एक दिल दे अंदरों गल करन दे है। ਸਸਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਲਬਲ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दम लिया पै गया, सरकार नू सह नहीं आ रहा। पर इत्थे एक होर गल भी देखने नू मिली, जिमें दूसरे बॉर्डर के उत्ते एक बड़े ही शांति दे विच, बड़े ही संजीदा तरीके दे नाल, ठरमे दे नाल अंदोलन चल रहा, उत्थे इत्थे भी उवें चल रहा हैगा। पर लोग इत्थे सांझी बालता दा भी सबूत दे रहे ने। साडे नाल एक बजुर्ग मौजूद ने, मैं अपने सहयोगी नू चाहूँगा पहला तस्वीर उन्हां दी दिखाई जाए, फिर उन्हां नाल गलबात करदे आ। सति श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਬੜਾੜੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਾ ਤੋਂ ਦੀ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। शास्त्र प्रमाण है कि जदों भी वह भ्रमण करके आते सन, उन्होंने नाल बाला जी और मरदाना जी आते सन, एक हिंदू हों एक मुसलमान हों। मगर जो मक्का मदीना की ओर गए तो उन्होंने पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, तो उन्होंने जवाब दिता कि हिंदू कहाँ तो मारिए, मुसलमान भी ना, पांच तत्त का पुतला ते नानक मेरा। आए, 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 नानक मेरा ना, बोले सोने, बोले क्यों नहीं? जोर से नानक मेरा ना, यार क्या बात है, बोलो भी तो सही कुछ। बोलो, सही गल, नानक मेरा ना। जब भ्रमण करके आंदे सी ते आन के खेती बाड़ी करते सी जी, वो किसी को भिक्षा नहीं सी लेंदे, उस गुरु नानक देव जी दे पुत्र और गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र आज चारों ओर से दिल्ली नू घेर लिया। नानक देव जी तो लैके, जरा ध्यान ना सुनो, गुरु नानक देव जी तो लैके नौ गुरु सहजदारी सन और गुरु गोबिंद सिंह जी केसदारी सन। असी सहजदारी और केसदारी सब भैणा भरा गए, इस करके इत्थे कोई भी जात पात या कोई द्वैत नहीं है, असी बाजी जितन आए हैं और जित के जाने। उन प्रश्न करो जी, सरकार दा तुसी रवैया किवें दा देख रहे हो? हुण सरकार जिहड़ी आ भ्रष्ट है, शुरू तो ही भ्रष्ट है। जदों ने नोटबंदी कीती तद ही पता चल गया सी कि ये भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, मगर ओदियां गल्लां च आ के उन्हें सत वड्डी जो चाल चली, ओदा ध्यान ना सुनो, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, बस अजी ओदी गल्लां च आ गए। आई समझ नहीं पाए दी चाल नु यार, ओदा परिणाम असी आ सारे भुगत रहे, क्या ही बात है। और ओ जिहड़ा प्रधानमंत्री है ना, ए भुलेखा कर देना कि तुहानू आराम नाल ओ ए खत्म कर देगा, ओ इस नु और लंबा खिचेगा, मगर असी जाना नहीं है जब तक बाजी जीत नहीं लैंदे।
कदे सोचा सी भी इदां दा अंदोलन होऊगा भी सरकार दे खिलाफ इन्ने लोग खड़े होणगे किते ना किते। पहला लोग थोड़े जिहे डरदे सीगे पर पंजाबियां ने ये चीज़ मूहरे लगे ने पंजाबी ते फिर सारा देश पिछे लग गया। ये बिल्कुल सच्चाई है कि सरकार नूं ये भुलेखा ने सी कि शायद चंद लोग आणगे, मगर एक मैं होर ही भुलेखा कर दिया, ये पंजाबियां ने नहीं खड़े होए। मैं तुहानूं खुली गल कह रहा जे ध्यान नाल सुनो, ये गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह जी स्वयं खड़े हो गए ने। जरा गल नूं समझण दी कोशिश करो, 11 आदमी या 30 आदमी आन के कभी दिल्ली नूं नहीं घेर सकते, मगर अज वह 30 आदमी जिहड़े आए सन उन्हां 30 दे पिछे पूरा भारत हरियाणा हिमाचल सब खड़े हो गए ने। इस करके ये हुण जिहड़ा अंदोलन है वह साडा सब भैणां भरावां दा, साझदारियां दा और केसदारियां दा, ना के पंजाबियों का, ना हिंदुओं का, ना मुसलमानों का, ना सिखों का, ना ईसाइयों का। सब साडे इंसान बरादरी और मानस की जात का अंदोलन है। मोदी सरकार हजे भी कह रही है, केंद्र की सरकार ने कहा गा भी यह कानून कदे भी खत्म नहीं होंगे, कदे रद्द नहीं होंगे, की कहना चाहोगे? हजे भी सरकार टस तो मस नहीं हो रही। यह कानून रद्द होएगा, मैं सिंघू बार्डर से 27 तारीख नूं ही कह दिता सी कि कानून रद्द होएगा, जिहड़े टेलीविजन देखदे होणगे उन्हां नूं ये दिखाई जरूर दिंदा हैगा ये चोला। मैं सिंघू बार्डर से 27 तारीख तो जा रहा सी, निरंतर उत्थे जांदा रहा, उस तो बाद NH ते पहुंचिया, तुहाडे इत्थे हुण आया वां, अते अपना अपना गाजीपुर NH ते गया, अपना चिल्ला गया, सब जगह जा रहा और तुहानूं सब लोगों नूं मिल रहा। आपको क्या लगता है, जो बड़े पूंजीपति लोग हैं इनके हाथ में सारी बागडोर पकड़ा दी है सरकार ने, क्या मंशा है सरकार की? मंशा ये कि जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, ये अंग्रेजों की नजायज औलाद हैं। पहले तो ये बे औलाद हैं, आपके देश का प्रधानमंत्री बे औलाद है, आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बे औलाद है, और RSS का सरसंघचालक भी जो है वो बे औलाद है। तो ये बे औलाद वाले क्या जाने औलाद वालों की पीड़ा क्या होती है। तीसरा तड़ी पार जो अमित शाह है, वो आपका गृह मंत्री है, वो तो एक गुंडा है, कोई वो नेता नहीं है। आप सबका पता है, पूरे भारत का पता, विश्व को पता है। तो चाहता था कि हम इनको मिटा देंगे, मगर ऐसा वो कर नहीं सकता। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, ये ईश्वर की ओर से ये पैगाम आप लोग खड़े हैं, भगवान की ओर से ये कार्य शुरू हो रहा है, गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह की ओर से ये कार्य शुरू हुआ है। धन्यवाद जी, आपने समा दिया। सो व्यूअर्स, ये सी अज दी वीडियो। मैं कहना कि यार इस बाबा जी ने मेरा तो इन्होंने खिच पाती दिल के हिचक, जो जो गल्लां कीतियां दिलों कीतियां। शुरू तो इन्होंने कहा वै कि बाबा गुरु नानक देव जी जदों मक्के गए तो उत्थे जाके उन्होंने पूछा कि तुसी बाबा जी तुसी हिंदू हो या मुस्लिम हो या मतलब कि तुसी किहड़ी तुहाडा मजहब की है। तो उन्होंने अगों बड़ा खूबसूरत जवाब दिता कि ना मैं मुसलमान है, ना मैं हिंदू है, मैं अल्लाह तआला दा बंदा वै, नानक मेरा नाम है, पंज तत् दा पुतला वै, तो नानक मेरा नाम। तो उन्होंने इस तरह करके जवाब दिता। बाबा जी ने जिन्नियां गल्लां कीतियां वै, मैं कहना कि यार दिल तो बहुत खूबसूरत, खास तौर पर मैनू इन्हां दा जिहड़ा लिबास पा के आए सीगे, जिहड़ा मतलब कि सिख हिंदू मुस्लिम दा जिहड़ा लिबास, जिहड़ा मतलब कि उत्ते लिबास ओढ़ के आए सीगे, मैनू ये चीज़ बहुत पसंद आई है। अपनी मैं नूं मार के आए सी, साडा कि साडे जिहड़े बजुर्ग है, साडी जिहड़ी नौजवान है, वो इस तरह दे लिबास, इस तरह दी चीज़ पा के बाहर नहीं जा सकदे, क्योंकि उन्हां च बड़ी आकड़, बड़ी मैं आउंदी है। ते ऐस बाबा जी दी मैं आकड़ हर चीज़, मैं कहना कि यार जिहड़ी गल करन दे सीगे, एक दिल तो गल करन दे। बाबा जी ने मैसेज दिता पूरी दुनिया नूं कि इत्थे कोई सियासत, ये कोई सियासत नहीं चलन दई, ये कोई एक मुसलमानियत नहीं चलन दई, ये कोई इत्थे सिख, एक कोई सिखां दा नहीं कोई चलन दिया, ये कोई हिंदुओं का नहीं चलन दिया, एक टोटल किसानां दे जज्बात, उन्हां दे दिल का मामला वै। ये जो जो आवाज निकलन दई जां एक दिल तो, जो भी मैं किसानां दे धरने की वीडियो देखना वै तो उहदे विचों कुछ ना कुछ सानूं सिखण नूं मिलिया वै। सानू मतलब कि किसानां दे धरनियां दे विचों बहुत, ये सियासत नहीं है,
इन्हू कहते दिल्ली तौर के उ लोग उत्ते पहुंचे है तो दिल्ली तौर के उ पहुंचे है। अगर कोई दूसरा बंदा सपोर्ट कर दिया, अगर कोई पाकिस्तानी सपोर्ट कर दिया वे तो दिल्ली तौर से सपोर्ट कर दिया वे। जो पाकिस्तानी सिंगर देख लो, पाकिस्तानी सियासतदान, साढ़े मतलब साढ़े जोड़े इधर के पंजाब के लोग है, ये दिल्ली तौर के उत्ते सपोर्ट कर दे, कोई सियासत नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी की उन्होंने गौरमेंट ने उन्होंने मीडिया गोदी मीडिया ने कहा वै कि एक किसान सियासत कर दे, इन्हों तो कुछ पता ही नहीं है भी सियासत एड्डी देर नहीं चल सकती, इन्नी देर एड्डी लंबी सियासत नहीं चल सकती। हर बुजुर्ग हर अच्छा बच्चे भी जानते हैं, औरतें भी जानते हैं, बुजुर्ग भी जानते हैं, ये सियासत नहीं है। ये जो उत्थे एक माहौल बनया वै एक दिलों बनया वै। तो बाबा जी दियां जिहड़ियां गल्लां वै मैं कहना कि यार अमेजिंग, मेरे को वो अल्फाज नहीं है कि जेडे इन्हां वास्ते बयान किए जाण, मैनूं समझ नहीं आ रही कि मैं की इन्हां दे वास्ते मैं कहां कि वर्स वीडियो देखण दा मैनूं तो बहुत ज़्यादा स्वाद आया, मैं तो एकदम जज्बाती हो गया सीगा। तो सो ये मेरी एक अपनी एक राय सी, ताड़ी की राय है थले कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो। सो ये सी अज दी वीडियो, मिलांगा तुहानूं अगली वीडियो वास्ते, इजाजत चाहुंदे हैं, अल्लाह हाफिज़।